हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स बाय यूटिलाइजिंग मैनुअर। ठीक है, मैनुअर जो है, जो देसी खादें जो होती हैं उनका यूज़ करना क्यों लाभदायक होता है। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन किया था कि मैनुअर क्या होती है, तो ग्रीन मैनुअर हमने पढ़ी थी, ठीक है, और जो कंपोस्ट मैनुअर हमने पढ़ी थी, फर्टिलाइज़र भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो ग्रीन मैनुअर और फर्टिलाइज़र जो है, सॉरी, ग्रीन मैनुअर और जो कंपोस्ट मैनुअर है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये आज का कि व्हाट आर द बेनिफिट्स बाय यूजिंग मैनुअर। मैनुअर यूज़ करने का क्या बेनिफिट है? तो फर्स्ट बेनिफिट हम बोलेंगे, दीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। सॉइल को ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, चाहे मैक्रो हैं और माइक्रो, बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय मैनुअर टू द सॉइल। दीज इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द सॉइल। ये जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो सॉइल में इंक्रीज़ करते हैं, चाहे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ठीक है, मैग्नीज है, आयरन है, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको जो है इंक्रीज़ करती है। फिर आ जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल गेट फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैनूअर, क्योंकि ऑर्गेनिक मैनूअर हम तो पता है ना, ड्राई लीव्स, डेड डिकेइंग मटेरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बनाई जाती है ये, है ना। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं वो इनसे फूड भी लेते हैं, विच आर हेल्पफुल टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो सॉइल में रहते हैं इनसे फूड लेते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये प्लांट्स के लिए भी अच्छे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल को एरी बनाते हैं, ठीक है। और जो ये ऑर्गेनिक मैनूअर जो होती हैं ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी अच्छी होती है, क्योंकि उनको सभी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर यूजफुल और हेल्पफुल टू स्टेबलाइज द मॉइस्चर कॉन्टेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो मॉइस्चर होता है ना, सॉइल में मॉइस्चर भी होता है, ठीक है, तो सॉइल का जो मॉइस्चर है ना उसको स्टेबलाइज करता है, मीन्स उसको स्थिर बनाए रखता है, संरक्षित करके रखता है, ठीक है, तो इसको ख़त्म नहीं होने देता जो मॉइस्चर है, ठीक है। ये मॉइस्चर जो होता है इसमें देखो, वाटर जो होता है इसमें ऑक्सीजन भी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ से ऑक्सीजन भी मिलती है अगर सॉइल मॉइस्ट है तो, ठीक है। यूज़ द मैनुअर इज़ बेनिफिशियल टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। लैंड की फर्टिलिटी के लिए भी मैनुअर यूजफुल है, चाहे ग्रीन मैनुअर है, आप मैंने बताया था कि ग्रीन मैनुअर भी बहुत अच्छी है, और दूसरी जो कंपोस्ट मैनुअर वो भी अच्छी है। इससे क्या होता है कि लैंड डज नॉट बिकम बैरन। ये लैंड जो होती है, अगर इसमें हम कोई भी मैनुअर डाल रहे हैं तो लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी बनी रहेगी, रिप्लीनिशमेंट सॉइल की होती रहेगी, और लैंड जो है कभी भी बैरन नहीं बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसी के साथ ही, जो जैसे हमने अभी बोला कि मैनूर जो है, चाहे वो और ग्रीन मैनूअर है चाहे कंपोस्ट मैनूअर है, हमने डाल देनी है, तो हमने सोचना नहीं है कि डाल रहे हैं तो डालें या नहीं डालें। तो अब अगला क्वेश्चन जो है, सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ डन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंड। लैंड की रिक्वायरमेंट देखकर ही फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, या फिर क्रॉप कौन सी हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको देखकर फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। वाइल फॉर द मैनुअर इट इज़ नॉट सो। मैनुअर के मामले में ऐसा नहीं किया जाता, क्यों, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ डन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड और क्रॉप। वाइल फॉर द मैनुअर इज़ नॉट सो, वाई,
अभी पता है ना जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मैंने तीन प्रकार के बोले थे फर्टिलाइजर्स मेन होते हैं, नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले या फिर पोटेशियम वाले। पोटेशियम रिच मैनुअल मिलेंगे, फास्फोरस रिच मिलेंगे या फिर नाइट्रोजन, या फिर इनका कॉम्बिनेशन वाले भी मिल सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन वाले या फिर इनके कॉम्बिनेशन वाले या फिर इनके कॉम्बिनेशन वाले। फिर कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र बढ़िया है, तो हम देखते हैं सॉइल की पहले टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो सॉइल की टेस्टिंग करके कि सॉइल में कौन सा कंपोनेंट, ठीक है, कम है या किसकी रिक्वायरमेंट है, कौन से सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। एवरी फर्टिलाइज़र हैज़ एनी ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट इन इटसेल्फ, ठीक है। अभी मैंने बोला या तो नाइट्रोजन होगा या फास्फोरस होगा या पोटेशियम होगा या फिर कोई दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू बी नोटेड दैट विच न्यूट्रिएंट इज़ लैक इन द लैंड, हमें देखना होगा कि लैंड में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है। इट इज़ ओनली टू बी नोन दैट आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ सॉइल, कैसे पता लगाएंगे कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, तो सॉइल की टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं। सेकेंडली द रिक्वायरमेंट फॉर द न्यूट्रिएंट्स इज़ नॉट सेम फॉर एवरी टाइप ऑफ द क्रॉप, हर एक क्रॉप के लिए भी ऐसी नहीं है कि कोई भी क्रॉप हम ग्रो कर रहे हैं तो नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र डाल दें या फिर पोटेशियम वाली डाल दें या फिर फास्फोरस वाली डाल दें, नहीं। तो सब क्रॉप के लिए अलग, क्रॉप के लिए अलग प्रकार की जो है फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ठीक है। ए जो है फर्टिलाइज़र जो होती है ना, सभी न्यूट्रिएंट जो है सभी क्रॉप के लिए सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए जो सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे वीट की बात करें, है ना, तो इसको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। वीट क्रॉप्स जो है, मेज़ है जैसे, इनको नाइट्रोजन चाहिए लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। जबकि बीन टाइप की है जैसे पल्सेस हो गई, जैसे बीन्स हो गए, जैसे ग्राम हो गए, उनको तो नाइट्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि उनकी जो रूट्स होती है ना, जो उनमें नोड्स बनी होती हैं, इन नोड्स में राइजोबियम जो है बैक्टीरिया पाया जाता है, आपको करना नहीं है कुछ भी ऐसा, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एनवायरनमेंट की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसको अगर अलग से अगर हम नाइट्रोजन की फर्टिलाइज़र डालते हैं, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो पल्सेस जो होती हैं उनको नाइट्रोजन की ज़रूरत ही नहीं होती है। हैंस द सिलेक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इज़ डन ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप एंड लैंड। सेकेंडली और क्या करते हैं, मैन्योर कंटेन्स न्यूट्रिएंट इन लेस क्वांटिटी, मैन्योर में तो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पर कितनी मात्रा में होते हैं, लेस क्वांटिटी में होते हैं। इट कंटेन्स बायोटिक मैटर्स इन लार्ज क्वांटिटी, जो मैन्योर होती है ना उसमें बायोटिक मैटर जो भी है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सॉइल की जो है रिप्लीनिश्ड होती है सॉइल, और सॉइल की जो इसमें जो एवरी न्यूट्रिएंट्स है ना, चाहे माइक्रो है चाहे मैक्रो है, वो जो है उसकी भी रिप्लीनिशमेंट होती है। यूज़ ऑफ मैन्योर इन एक्सेस क्वांटिटी काज नो लॉस, वाइल अनवांटेड यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र काज लॉस रादर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो सकता है यदि हम फर्टिलाइज़र का जो है एक्सेसिव यूज़ करेंगे, अनवांटेड यूज़ करेंगे। तो हमें फर्टिलाइज़र का जब भी यूज़ करना है तो हमें उसकी सिलेक्शन करनी पड़ती है कि हमें कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी में यूज़ करनी है, ठीक है। अगर नीड नहीं है तो हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो ये था क्वेश्चन, फर्टिलाइज़र से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।